So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. So students, आज हम करने जा रहे हैं SAS Similarity Criteria. इसका statement पढ़ लेता हूँ मैं. If one angle of a triangle is equals to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. क्या बोलना चाहता है? कि triangle है ABC और PQR. हमको ये दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी. सो क्या है? एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल. ये एंगल के रिलेटेड जो साइड्स बने होंगे हमारे, ये हमारा ए बी ए सी और इस ट्राइंगल में पी क्यू और पी आर, ये प्रोपोर्शनल है. मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर. अगर ये पहले हमको दिया होगा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी और ये साइड्स, ये एंगल के रिलेटेड जो साइड्स है ए बी ए सी और इसमें पी क्यू पी आर, ये प्रोपोर्शनल है, ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे. एक एग्जांपल करते हैं और इस क्राइटेरिया का एप्लीकेशन भी हम देख लेते हैं. इन फिगर, ये हमारा फिगर है, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल B equals to angles, angle D. ये हमको बताना है, ठीक है? अब solution start करते हैं हम. बहुत easy ये भी, कुछ है नहीं इसमें. पहले हमको ये दिया हुआ है, इसको ही लिख लेते हैं. OA upon OA into OB equals to OC into OD. ये हमको given है, ठीक है? अब मैं क्या लिखूंगा? Therefore, OA upon OC equals to OD upon OB. लिख सकता हूँ, कोई problem नहीं है. क्यों मैंने ओ ए अपॉन ओ डी नहीं लिखा और ओ सी लिखा? क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स है तो प्रोपोर्शनल में ओ ए तो हमारे ये ए ओ डी ट्राइंगल आ गया और ओ सी तो हमारे ओ सी भी ट्राइंगल आ गया. तो दोनों ट्राइंगल, दोनों साइड्स ही प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना. ये हो रहा है हमारा कंडीशन, हमको गिवन था, उससे हमको ये मिला. अब डायग्राम से अच्छे से हमको दिख रहा है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी. क्यू? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्यू? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? और अब हमारा एंगल ये है, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल के इंक्लूडिंग जो साइड्स होंगे, मतलब ओ ए और ओ डी और ओ सी और ओ बी, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए. तो वही है, ओ ए अपॉन ओ सी और ओ डी, ओ डी अपॉन ओ बी. तो वही इंक्लूडिंग साइड भी वही है, हमारा एंगल भी जो जो एंगल है उसके रिलेटेड ही हमारा साइड है, वही प्रोपोर्शनल हो रहे हैं. तो क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ठीक है? अब फिर से हमको क्या ऑर्डर का ध्यान रखना है. यहाँ पे ओ ए है, ठीक है, ओ ए या ए ओ लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये ए ओ कर दूँ, ये ए ओ हो जाएगा और ये सी ओ हो जाएगा, ठीक है? तो ए ओ है यहाँ पे, सी ओ आ जाएगा क्योंकि एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ, यहाँ पे हो जाएगा. और फिर हमारा बचा क्या? बी बचा. अब हमको प्रूव ही वही करना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी. हो गया ना, हमारा सिमिलर है हमारा ट्राइंगल और हमने जैसे ही लिखा हमको ऑर्डर से ही पता चल गया. देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी. सिमिलर हो गया है तो हमको अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने ही चाहिए. सो हमारा ये भी एग्जांपल हो गया. सो अगर आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू.